सो क्या होगा अगर डेडपूल एवेंजर्स से फाइट करेगा तो उस फाइट का रिजल्ट क्या होगा? क्या डेडपूल में सही में इतना दम है कि वो डिफीट कर सके एवेंजर्स को? वेल, जैसा कि हम लोग को पता ही है कि एमसीयू में बहुत ज्यादा सुपर हीरोज हैं। लाइक रियली, शुरू की मूवीज में सिर्फ 6 एवेंजर्स थे एंड धीरे धीरे ये इतने ज्यादा हो गए हैं कि काउंट करना भी मुश्किल है। बट चलिए देखते हैं अगर ये सारे एवेंजर्स डेडपूल से फाइट करे तो क्या होगा। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज से, जिसमें इंक्लूडेड है येलेना, हॉकआई एंड शांग-ची। वेल यस, इन सबके पास बहुत सारे टाइप के वेपन्स हैं, बट मोस्टली कभी भी ये किसी फाइट में आते हैं तो हम लोगों ने ज्यादातर यही देखा है कि ये सारे सुपर हीरोज अपनी फाइटिंग टेक्निक्स एंड मार्शल आर्ट्स का ज्यादा यूज करते हैं। बट ये तो फैक्ट है कि डेडपूल जब अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में भी था तब भी वो बहुत ज्यादा स्किल्ड था। लिटरली किसी नॉर्मल ह्यूमन से तो वो बहुत स्किल्ड था। एंड यस, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में डिफीट कर देता सैम विल्सन को, हॉकआई को एंड येलेना को। उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है डेयरडेविल और गमोरा से फाइट करने में, बट उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी शांग-ची से फाइट करने में, एंड तब शायद उसको अपनी रीजनरेशन एबिलिटी की जरूरत भी पड़े। सो या, अगर कोई स्ट्रीट लेवल हीरो हमारे डेडपूल को मार भी देगा तब भी वो दोबारा जिंदा हो जाएगा। सो आई थिंक इन सबको डेडपूल डिफीट कर देगा। तो चलिए हम लोग एक लेवल ऊपर आते हैं, यानी कि उन सुपर हीरोज पे जो कि ब्रूट स्ट्रेंथ यूज करते हैं एंड काफी इंटेलिजेंट भी हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है द इनक्रेडिबल हल्क का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डेडपूल कैसे हरा पाएगा हल्क को, हल्क लिटरली इतना स्ट्रांग है। बट ऐसी हमने एक सिमिलर फाइट देख रखी है जब डेडपूल 2 में डेडपूल का सामना होता है जगरनॉट से, एंड आई गेस जगरनॉट काफी हद तक हल्क जैसा ही है। एंड हमने ये भी देखा था कि जगरनॉट ने कैसे 2 सेकंड के अंदर ही डेडपूल को पूरा बीच से फाड़ दिया था। बट हम लोग को ये भी देखने को मिला कि डेडपूल रीजनरेट भी हो गया बीच से फाड़े जाने के बाद भी। सो या, इससे तो हम लोग सोच ही सकते हैं कि हल्क तो आराम से बहुत बार डेडपूल को बीच से क्या हर जगह से फाड़ देगा, एंड यही सेम चीज कैप्टन मार्वल भी कर सकती है। बट स्टिल गाइस, मुझे लगता है कि डेडपूल फिर से जीत सकता है, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि जगरनॉट के खिलाफ वो काफी ज्यादा फनी एक्ट कर रहा था। बट आई डोंट थिंक कि वो हल्क के सामने भी ऐसा ही रहेगा। शुरू में तो भले ही वो लोग उसको 100 बार फाड़ दें, बट आई गेस जब डेडपूल सीरियस होगा तब वो कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगा हल्क एंड कैप्टन मार्वल को डिफीट करने का। हालांकि सुपर सोल्जर्स एक अलग ही चैलेंज है, बट आई गेस वो जॉन वॉकर, द रेड गार्डियन एंड बकी को डिफीट कर सकता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बकी के साथ उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बिकॉज बकी बहुत स्किल्ड है एंड फिजिकली काफी स्ट्रांग भी है। और अगर इन सब लोग को हम लोग साइड में भी रख दें तो वॉर मशीन, जिसके पास एक बहुत एडवांस टेक है, वो भी काफी प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकता है अपने डेडपूल के लिए। बट आई गेस इसका भी कोई यूज नहीं होगा डेडपूल के सामने, बिकॉज हमने खुद ही मूवीज में देख रखा है कि डेडपूल खुद ही को उड़ा लेता है बट फिर भी नहीं मरता है। सो या, इन सारे सुपर हीरोज को डेडपूल हरा ही देगा, बट जहां फाइट करने में उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी वो है थॉर, वैल्केरी एंड हरक्यूलीज। अब ये सब तो लिटरल गॉड है एंड इनकी पावर्स बहुत ज्यादा है, एंड पावर को हटा भी दे तो इनके पास ऐसे ऐसे वेपन्स हैं जो कि डेडपूल की खटिया खड़ी कर देंगे। बट स्टिल मुझे लगता है कि इनके इतने सारे पावरफुल एंड गॉडली वेपन्स के बावजूद डेडपूल अपने आप को हील कर लेगा। एंड अगर थॉर लूकी वाली ट्रिक करेगा, यानी कि डेडपूल के ऊपर म्योनियर रख के चला जाएगा, तब भी डेडपूल वहां से बच जाएगा। वो अपनी पूरी चेस्ट काट लेगा एंड दोबारा से उसको रीग्रो कर लेगा। सो मुझे नहीं लगता कि ये सारे गॉड्स भी डिफीट कर पाएंगे डेडपूल को। अब हम लोग देखते हैं एमसीयू के कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग कैरेक्टर्स को। अब हालांकि भले ही डेडपूल एक बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी ना हो, बट फिर भी ये कहना बहुत गलत होगा कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। डेडपूल के पास बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस है, जिसको उसने कॉमिक्स में बहुत बार शोकेस भी किया है। सो अब हम लोग बात करते हैं शूरी, रीरी विलियम्स, पीटर पार्कर, ब्रूस बैनर आउट ऑफ द हल्क फॉर्म या फिर विजन। सो ये सारे कुछ बहुत इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हैं एमसीयू के, जिनके पास स्ट्रेंथ तो उतनी नहीं है और ना ही ये बहुत पावरफुल है, बट यस ये बहुत ज्यादा दिमाग वाले हैं एंड डेडपूल से तो बहुत इंटेलिजेंट है, एंड इंटेलिजेंस का यूज करके डेडपूल को डिफीट किया जा सकता है। ये हमने तब देखा था जब डेडपूल 2 मूवी में एक ऐसा डिवाइस बना लिया गया था जो कि डेडपूल की रीजनरेशन की एबिलिटी को ही रोक देता है। सो शूरी को तो हम लोग जानते हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट है, उसने नेमोर को टेक डाउन करने का तरीका भी निकाल डाला था। एंड रीरी विलियम्स भी कुछ ऐसी ही है, और जो अपना न्यू विजन है उसको तो म्यूटेशन की काफी ज्यादा अच्छी नॉलेज है। एंड विजन तो एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वेड विल्सन के बारे में भी इतना जान सकता है जितना खुद वेड विल्सन को भी ना पता हो, एंड वो काफी ज्यादा फिजिकली पावरफुल भी है। हालांकि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसका जो माइंड है वो लिटरली मैकेनिकल है। एंड आखिरी में हमारे पास है पीटर पार्कर, जिसको टोनी ने भी रिकॉग्नाइज किया था कि वो कितना इंटेलिजेंट है। हालांकि टोनी स्टार्क तो अभी जिंदा नहीं है, तो बचा कौन? अपना पीटर पार्कर। सो पीटर पार्कर भी सोल्यूशन निकाल सकता है डेडपूल की रीजनरेशन का, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है, उससे भी वो डिफीट कर सकता है डेडपूल को। एंड कॉमिक्स में तो कई बार डेडपूल को हरा रखा है स्पाइडरमैन ने, बट ये कहना गलत नहीं होगा कि डेडपूल ने नहीं हराया है। डेडपूल ने भी उतनी बार ही स्पाइडरमैन को हराया है जितनी बार स्पाइडरमैन ने कॉमिक्स में डेडपूल को हराया है। सो भले ही स्पाइडरमैन के पास स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस दोनों, बट आई गेस लास्टली ये फाइट डिपेंड करेगी कि कौन लास्ट तक टिकता है फाइट में। एंड इस ओपिनियन में मेरे ख्याल से डेडपूल डिफीट कर सकता है स्पाइडरमैन को। सो या, ऑल एंड ऑल सारे सुपर हीरोज के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट आई गेस वो सारी पावर्स डेडपूल का ज्यादा कुछ हार्म नहीं कर पाएंगी। उसको कितना ही मार लोगे वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। डेडपूल 2 में वो जो कॉलर था जो उसके रीजनरेट
जनरेशन को रोक देता है, वो भी आखिर में निकल ही गया था। उस चीज को कब तक ही लगा के रखोगे? जिस दिन वो निकला दोबारा डेडपूल जिंदा हो जाएगा। सो भले ये सारे सुपर हीरोज तो उतना कुछ ना कर पाए, पर डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग एंड स्कारलेट विच बहुत कुछ कर सकते हैं डेडपूल के साथ। मैजिक डेडपूल की शुरू से ही एक बहुत बड़ी वीकनेस रहा है। सो उनके पास कोई ऐसा स्पेल हो सकता है जिससे वो लोग उसकी हीलिंग को ही रोक दें, या फिर उसको एक ऐसे डायमेंशन में ट्रैप कर दें जहां से वो कभी निकल ही ना पाए। वैसे भी इन मैजिशियंस के ऊपर गन्स एंड स्वॉर्ड्स का तो कोई भी असर नहीं होगा, एंड ये सारे सुपर हीरोज तो बहुत इजीली डिफीट कर सकते हैं डेडपूल को। हालांकि जो फाइट देखने लायक होगी वो की डेडपूल वर्सेस मून नाइट की। अब ये दोनों ही थोड़े से पागल हैं एंड दोनों ही पोसेस करते हैं रीजनरेशन की एबिलिटी। जहां डेडपूल एक म्यूटेंट है तो वहीं मून नाइट के पास है खोंशु जैसे पावरफुल गॉड का सपोर्ट, एंड ये फाइट देखना लिटरली में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। बट गाइस आप लोग क्या सोचते हैं, डेडपूल और मून नाइट की बैटल में कौन जीत सकता है? मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड या नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।